एक ऐसे लीडर है जिसने सोलर पैनल ईपीसी कंपनीज के लिए एक रोड मैप रेडी किया है, जिसने इनोवेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ काम करने में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करा है। मिस्टर पुलकित डिंगरा, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट आहा सोला। पुलकित भैया, आपकी जर्नी के बारे में सब जानना चाहते हैं कि आपने कैसे सोलर फील्ड में एंटर किया, कैसा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा था और कैसी आपकी पूरी एजुकेशनल जर्नी रही और टिल सोला। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है वो बिहार में हुआ। टिल 12th आई वाज आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट मैं इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर गया। सो देयर इज अ प्लेस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर, इज अ प्लेस कॉल्ड टुमकुर। सो वहाँ पे काफ़ी कर्नाटका का काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, SIT टुमकुर। सो वहाँ पे इंजीनियरिंग वहाँ से किया, इलेक्ट्रिकल कॉलेज खत्म हुआ, देयर वर लॉट ऑफ IT कंपनीज कमिंग इन। बट उस समय एक चीज़ दिमाग में हो गई थी कि यार कुछ कोर में ही रहना है, एंड दैट टू इफ समथिंग कैन बी डन इन रिन्यूएबल, एंड दिस वाज बैक इन आई थिंक 2009। सो उसके बाद कॉलेज खत्म हुआ, आई वाज वर्किंग विथ अ कंपनी जो माइंस में वेइंग मशीन होती हैं। ओके, तो वो वेइंग मशीन्स बनाते थे, ऑटोमेटेड वेइंग मशीन्स। ओके, तो इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कैलकटा। तो मैं वहाँ पे 1-1.5 महीने ही काम किया, तो उनके उसमें मैं फिर उड़ीसा की माइंस में भी रहा 15-20 दिन। तो माइंस में ही रहा, जहाँ पे सुबह जाते थे तो वाइट शर्ट होती थी, रात में इट वाज अ रेड बिकॉज इट वाज अ आयरन ओन माइन। तो वहीं पे फिर मैं एक सोलर कंपनी शेल सोलर, जो शेल ऑयल ग्रुप है, उनकी एक ओन कंपनी थी जो इंडिया में। और फिर शेल आई थिंक 2009-10 तक इंडिया में थे, और फिर देन दे मूव्ड आउट ऑफ इंडिया। तो एक उन्होंने जिस कंपनी को बेचा था पूरा अपना बिजनेस, सो उस कंपनी में थ्रू सम कनेक्ट हुआ कि हाँ सोलर में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे CV भेजा। तो दे सेट कि ठीक है आओ, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, एंड ही सेट कि ठीक है, वी हैव अ कंपनी इन बैंगलोर एंड इट्स अ शेल सोलर इंडिया का ही को ही हमने टेक ओवर किया हुआ है बिकॉज दे हैव एग्जिटेड द मार्केट दैट टाइम। तो यहाँ पे आई थिंक डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव की जॉब स्टार्ट हुई, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टू द एक्चुअल सोलर फील्ड, एंड इट वॉज बैक इन 2010। सो वो एक साल वहाँ पे एक्चुअल सोलर सीखा भी क्या होता है। उस समय 5 kW 10 kW बहुत बड़े होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर डिज़ाइनिंग करना सीखा। सो माई मेंटर्स एंड माई गाइड जो वहाँ पर जो थे मैनेजर्स, दे टॉट अस कि हाँ ठीक है सोलर साइजिंग कैसी होती है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, प्लांट इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जो पहले जो इंटरेस्ट था वो अब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन वॉज डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सब्सिक्वेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया था, जहाँ पे गुजरात सोलर पॉलिसी आई। करेक्ट। तो धीरे धीरे सोलर में मोमेंटम बन रहा था, बट 2010 के आसपास तो ऐसा तो बहुत ही कम था कि 100 में से 1 आदमी सोचते थे कि हाँ जी सोलर में कुछ हो सकता है। इट इज़ जस्ट कि हाँ ठीक है, जैसे साइंटिस्ट टाइप लोग हैं। साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा था उस समय, बैंगलोर वॉज डैट टाइम यूज टू बी हब, वहाँ पर टाटा BP के भी ऑफिस उधर थे। तो वहाँ पर एक साल मैंने काम करने के बाद, सो आई थिंक दैट वॉज जनवरी फेब 2011, उस समय फिर MBA के लिए भी हुआ कि चलो ठीक है एक साल जॉब कर रहे हैं, देन लेट्स गो फॉर द कैट एंड ऑल। तो कैट का एग्ज़ाम दिया, फिर उसमें एक ट्रेनिंग कोर्स निकला हुआ था जनवरी या फेब में इधर गुजरात में सोलर पावर्स प्रोफेशनल सिस्टम्स पे। तो वी कॉल्ड, एंड उसी बीच में एक मेरा कलीग आया एंड ही वॉज लाइक यार अभी है ना 500 kW और 1 MW के प्लांट लग रहे हैं। दैट टाइम इट वॉज लाइक 500 kW 1 MW के प्लांट लग रहे हैं, और गुजरात में एक लगा है। तो दैट्स हाउ आई केम टू PDPU में फिर MBA किया। डूइंग द MBA आई गॉट मोर एक्सपोजर टूवर्ड द सोलर इंडस्ट्री बिकॉज उस समय गुजरात में देयर वॉज अ ट्रांजिशन हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ देन चीफ मिनिस्टर। पहला सोलर पार्क आया, रूफ टॉप, इंडिया का पहला मेगावाट स्केल रूफ टॉप पावर प्लांट लग रहे थे, एंड इट वॉज बीन डन बाई द गवर्नमेंट, एंड PDPU वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस इंटायर इको सिस्टम।
एंड जर्मी वॉज ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व एंड वहाँ पे आई फर्स्ट टाइम आई मेट माई मेंटर डॉक्टर ओमकार जानी. सो फिर उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ. आई वॉज वेरी कीन बिकॉज पूरे बैच में जो मेरा बैच था उसमें मैक्सिमम लोग ऑयल एंड गैस में जाना चाहता है. आई वॉज द ओनली वन की जिसका रिन्यूएबल में. और 2011 में लोग बोलते थे कि यार ये क्या है. बट वेन आई मेट दिस माई मेंटर ही वॉज बैक आई थिंक 32 के होंगे उस समय. तो बच्चों उनकी डिग्रीज थी देख के लग रहा था कि कोई तो बूढ़े आदमी है या मिल नहीं रहे. तो बट पता चला ये तो बहुत यंग है 32 साल के हैं. सो एक्चुअली दैट ही वॉज वन ऑफ द मोटिवेशन फॉर मी देन कि इतना पढ़ा लिखा आदमी एंड वेन ही एंड ही डिड हिज PhD एंड पोस्ट डॉक फ्रॉम US एंड ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वॉज वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो एक चीज़ था कि चलो एटलीस्ट इनके साथ ही कुछ काम करते हैं. एंड सिंस अपना ही पैशन थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ये करके यहाँ पे अगर कर रहा है तो भले ही अभी कुछ नहीं है लेकिन हैज़ टू बी देयर विल बी अ फ्यूचर. ठीक है गवर्नमेंट भी इतना पुश कर रही है तो कुछ नहीं होगा तो चलो देखते हैं. एंड बाई द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट वॉज वेरी क्लियर कि ओके जो चीज़ समझ में आती है वही करने का. बाकी बैच ऑयल एंड गैस पे कर रहे थे. हमारे सब्जेक्ट्स भी नहीं होते थे सर रिन्यूएबल के लिए. फैकल्टी से बोलना पड़ा सर एक कोर्स तो डाल दो कि हम लोग थोड़ा रिन्यूएबल को देख लें. तो फाइनली वो भी इंट्रोड्यूस किया गया. एंड वहाँ से फिर ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स इटसेल्फ आई स्टार्टेड पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट वर्किंग विद डॉक्टर जानी. एंड आफ्टर माई कॉलेज आई जॉइंड हिम एंड फिर वहाँ से प्रोफेशनल जर्नी चालू हुई. सो वी वर्कड विद लॉट ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट्स. लाइक इंडिया का सबसे पहला जब सोलर पार्क बन रहा था वहाँ थे. कैनाल टॉप हुआ तो आते ही हुआ कि कैनाल टॉप लगाना है क्योंकि अभी तक है कि जो भी सोलर लगते हैं वो बहुत इंटीरियर्स में लगते हैं. तो वेन पीपल विल नॉट सी हाउ दे विल अडॉप्ट इट. सो देन द गवर्नमेंट हैड दिस थिंग इन माइंड कि इट शुड बी विजिबल टू द पीपल. माई फर्स्ट असाइनमेंट वॉज गिवन कि भाई देर इज अ सर्वे टू बी डन फॉर द कैनाल टॉप. सो मी एंड वन ऑफ माई कलीग शत्रुघ्न हम लोग ऑलमोस्ट नहीं तो 100-150 किलोमीटर कैनाल्स के अक्रॉस वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द स्टेट. ढूंढा कहाँ कहाँ पे लैंड है. एंड उस समय बहुत चीज़ क्लियर थी कि ओके ऐसा सोलर होना चाहिए जो लोगों को दिखे. एंड देन वी आइडेंटिफाइड अ लोकेशन इन बड़ोड़ा जो आज की डेट में 10 मेगावाट का. करेक्ट. वो लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई होगी जब भी आप सिटी में एंटर करोगे लोगों को दिखेगा कि सोलर लगा हुआ है. हाँ जब लोग को दिखेगा तब उनको समझ में आएगा कि अच्छा क्या हो रहा है. करेक्ट. सो देन वी आइडेंटिफाइड दैट पैच ऑफ लैंड कि दिस इज द लैंड विच और सिंस इट वाज इन द मिडिल ऑफ द सिटी तो ट्रांसमिशन टेक्निकली भी इट वाज मोर सूटेबल कि कंजम्पशन पॉइंट के साथ है. इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया. तो उसके वजह से वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई. देन वी डिड मेगावाट स्केल. जब 1 मेगावाट जो 4-5 साल पहले छोटे लगते थे वह बहुत बड़े लगते थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 20 मेगावाट 30 मेगावाट 10 मेगावाट. सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद जर्मी एंड बाई 2017-15 गुजरात में सोलर पॉलिसी आई नेट मीटरिंग की. एंड आफ्टर दैट काफ़ी फील्ड का भी एक्सपीरियंस और डिफरेंट स्टेट्स में भी हम लोग काम कर रहे थे. द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड इन द गुजरात बिकॉज आई वॉज इन गुजरात आई डोंट नो वो कहीं और होता तो कैसा होता है. लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ वेरी सपोर्टिव इको सिस्टम कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं. आई वॉज वेरी न्यू. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार में. मेरी आधी फैमिली दिल्ली में रहती है. पढ़ा था बैंगलोर में. सो अपने 30 साल के जीवन में 10-10 साल अलग अलग जगह रहा हूँ. तो यहाँ पे बहुत कम लोग को जाते हैं. बट द इको सिस्टम वॉज सो सपोर्टिव दैट इफ समवन वॉन्ट्स टू डू समथिंग दे वर पीपल टू सपोर्ट यू टू होल्ड योर हैंड एंड से ठीक है कर. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा नहीं चलेगा ना देन विल टेक केयर विल सी समथिंग. करेक्ट. बट फर्स्ट ट्राई इट. इफ यू इज सो कन्विंस्ड कि ऐसा कुछ करना है तो ट्राई कर. वी विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली ऑल्सो. कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड रोज ये चलता रहे कि भाई हाउ आई मीट माई एक्सपेंसेस. करेक्ट. सो वो बेयर मिनिमम जो चाहिए थोड़ा टाइम इधर डाल इस काम में और चीज़ें बना. सपोर्टेड एंड दैट्स हाउ द आहा स्टोरी स्टार्टेड विथ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो हम लोग साथ में ही जर्मी में काम कर रहे थे. कुछ तो मेरे साथ कॉलेज में साथ में थे.
वी वेर डिस्कसिंग कि यार इतना करना है, 40 गीगावाट करना है, ये करना है, पीपल नो इट, वॉन्ट इट, बट सोलर की कहीं दुकान तो दिखती नहीं है. करेक्ट है. करूँ गया तो वी डेवलप्ड एन ऐप ओके विथ एन ऑब्जेक्टिव कि लोगों को पता चले कि कहाँ पे सोलर लगाना है. बट क्विकली वी अंडरस्टूड कि वी वर अ बिट अहेड ऑफ द टाइम. ओके ठीक है कि लोगों को अभी तो यही नहीं पता है कि यार सोलर होता क्या है. okay. और आप बोल रहे हो कि आप बुक करने के लिए करो. इन द ऑडिटोरियम जो गुजरात में भरी बहुत कॉमन है, प्रीवेड मीटिंग यहाँ पे ऑडिटोरियम में होती है. तो ऑडिटोरियम भरा हुआ था, पीडीपीयू का ऑडिटोरियम था, मैं जाके बैठा हुआ पूरे. सो द उस समय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग 125 मेगावाट का सैंक्शन है एंड वी वॉन्ट टू डू इट. एंड द एंटायर ईपीसी कम्युनिटी दे वर लाइक सर वी कैन डू इट. ओके 125,000 2-3 महीने में करके देंगे सर, आप करो. बट एक चीज़ चाहिए, मेक द थिंग डिजिटल. ओके बिकॉज ये बिना उसके इतना नहीं हो पाएगा. उस समय क्या होता था कि हर फ्राइडे को पूरे स्टेट से लोग जाते थे गांधीनगर. okay. वहाँ पे ईपीसी आते थे, वहाँ पे डिस्कॉम्स के ऑफिसर्स आते थे, वो एप्लीकेशन फॉर्म देते थे, वो फॉर्म वापस डिस्कॉम्स आते थे कि कॉरपोरेट ऑफिस, कॉरपोरेट से सर्कल में जाते थे, सर्कल से सब डिवीजन में जाते थे. कंज्यूमर का जो डेटा होता है वो सब डिवीजन में होता है. तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, अगर कुछ गलती हुई तो वापस से ये पूरा साइकिल. तो ये इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. करेक्ट. तो बोले कि ऐसे में तो नहीं होगा, आपको कुछ करके देना होगा. तो एंड वी वे वेरी यंग स्टार्टअप विथ जीरो प्रोजेक्ट इन हैंड, जॉब छोड़ दिया हूँ. ठीक है, बस इतना है कि हाँ ठीक है, कुछ घर वालों ने बोला था कि इतना कर देंगे, और कुछ यहाँ के जो इकोसिस्टम में जो लोग थे बोले थे तू 3 दिन काम कर तो तेरे को इतने पैसे दे देंगे. ठीक है, तो चलो इतना तो है कि घर का रेंट और ये सब तो निकल जाएगा. और उसके बाद फिर आई मेट एजेडा कि सर वी हैव अ सोल्यूशन एंड ये हम आपको कर बोलेंगे कि हम लोग को जल्दी चाहिए. सो वी कैन डू इट. मी एंड माई वन ऑफ माई पार्टनर जो आईटी के हम पूरा देखते हैं. सो आई एम फ्रॉम द सोलर बैकग्राउंड एंड माई अदर पार्टनर फ्रॉम द आईटी. सो ही हैज हैविंग मोर देन 20 ऑफ एक्सपीरियंस. तो ही वॉज लाइक कि 15-20 दिन में चाहिए. सो आई सर हो जाएगा. एनी वॉज लुकिंग माई लाइक क्या बोल रहा है 20 दिन. हमें सर कुछ तो बना हुआ है ना, एक एक लेवल पे हम लोगों ने ऐप बनाया हुआ, उसमें थोड़ा सा ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग ये करना गया है. करेक्ट. और ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि उससे पहले हम लोग कंसल्टिंग करते थे. ओके. कंसल्टिंग करते थे जेडा ये रूफटॉप इम्प्लीमेंट, उस समय फाइलों में ये करते थे, एक्सेल में ये काम कर रहे थे. तो वो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था कि स्टेक होल्डर्स क्या हैं, कहाँ पर क्या है. तो ही वॉज लाइक यार कैसे होगा, हम सर करते हैं पहले, नहीं करके भी तो कुछ वो है नहीं, तो लेट्स ट्राई इट. सही वॉज लाइक ओके ठीक है चल, बोला है तो अब तो करते हैं. And fortunately, in the first 15 days, we made the entire structure. We showed to Jeda and they were like, they were convinced कि हाँ कुछ तो कर देगा. बराबर. ठीक है, कुछ तो कर देगा, जो अभी है उससे तो अच्छा ही होगा. At least wireframe तो बना ही दिया. Wireframe क्या करके एक level तक हम लोग feasibility तक ले आए, process define कर दिए कि ऐसे ऐसे होगा, these are the stakeholders, इसका ये पूरा structure create करके एक level तक हम लोग उनको दिखा भी दिए कि ऐसे work कर रहा है. Then he was like कि हाँ ठीक है. तो उसके बाद फिर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थे. फिर देन वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. देन सम फंडिंग एजेंसीज ऑल्सो केम टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव. तो सारे स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुई, डिस्कॉम्स आए, ये सारे लोग आए. तो हुआ कि यार सब कुछ जब पेटीएम पे मैं बिल पे कर सकता हूँ, ऑनलाइन बिल पे कर सकता हूँ, तो वाई वी नीड टू एंटर द कंज्यूमर नंबर. फिर कहीं ना कहीं तो डेटा है ही. ठीक है, और ये था. सो फिर डिस्कॉम से और उनकी जर्नल की आईटी टीम थी, दे आल्सो सेड कि हाँ है हम लोग, वी कैन गिव द एपीआई. उस समय एपीआई किसी को समझ में नहीं आता था. नाउ इन टुडेज वर्ल्ड एपीआई इज वर्ल्ड. हाँ, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो माय अदर पार्टनर पीयूष भाई सेड हाँ इसको ऐसे कर लेंगे, एपीआई से डेटा लेंगे. आई वाज लुकिंग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको आ रहा है आप कर दो. प्रोसेस की कहाँ कहाँ बॉटल नेक्स है. ओके. बिकॉज आपको बॉटल नेक समझना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. 2-3 जगह बॉटल नेक समझ में आया. एक आपका एंट्री बॉटल नेक है, क्योंकि अगर आप किसी को जाके एप्लीकेशन हर हफ्ते देने जा रहे हो, अगर सपोज आपको सूरत से गांधीनगर हर फ्राइडे को जाना है, एक तो कॉस्ट ऑफ टाइम, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल. ओके. ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वापस आना है. तो और स्पेसिफिक छुट्टी है तो उस दिन नहीं जा सकते, तो आपका एंट्री ही कम होगा तो आगे कैसे जाएगा. और दूसरा जो आपका आगे का प्रोसेस है, जहाँ पे वेरिफिकेशन करना है कि हाँ ये सही है, वहाँ तक उस आदमी तक पहुँचने में 30 दिन अगर लग रहे हैं,
तो उसको कट शॉर्ट करना है. सो वी रिड्यूस दैट टू वन डे, वन नॉट इवन जीरो डे. ओके, सो नाउ दैट इज ग्रेट. या सो व्हाट वी डिड, वी डिस्कस्ड विद द डिस्कॉम्स दैट यू हैव अ मैपिंग, यू ऑलरेडी रनिंग अ सिस्टम. सो यू गिव योर मैपिंग ऑफ द ऑफिसेस एंड दैट्स हाउ वी क्रिएटेड द एंटायर इकोसिस्टम दैट द मोमेंट ही एंटर्स द कंज्यूमर नंबर द फाइल गोज टू द एग्जैक्ट सब डिविजन. सो मोर देन 900 डिस्कॉम ऑफिसेस वी हैव मैप्ड. उसके पास तुरंत आ गई, ही चेक्स इफ ही हैज एनी कमेंट, ही रिवर्ट्स एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ 30 डेज रिड्यूस टू जीरो डे. ओके, सो आपका एंट्री बढ़ा था, उसके बाद आपकी सारी चीज. एंड देन द लास्ट थिंग वॉज एट दिस लास्ट स्टेज. तो ये सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ आहा स्टार्टेड. एंड देन वी ब्रॉट न्यू को फाउंडर्स इन, जैसे जैसे बढ़ते गए तो दैट्स हाउ वी हैव रीच्ड. सर आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन वाली है कि बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि फ्रॉम स्क्रैच कोई किसी के पास कुछ नहीं होता, पर ये इकोसिस्टम कितनी सपोर्टिव है. और बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए किसी को कुछ करने के लिए, एक आग होनी चाहिए, इग्निशन होना चाहिए, एंड देन यू बिल्ड अ कंपनी, अ ग्रेट कंपनी कॉल्ड आहा सोलर. ओके, इट गोइंग टू बी इन हिस्ट्री बिकॉज पूरा जैसे प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है. ओके, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आपको काम करना है तो पहले तो एक स्टेज पे सबको लाना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड पे सबको लाना पड़ेगा. और जब सोलर्स की बात होती है तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होता है, लाइक ईपीसी कंपनीज है, कंज्यूमर है, डिस्कॉम के ऑफिशियल है, उनके भी हायरार्की है पूरी. तो आपकी जब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की जर्नी रही थी वो कितनी लंबी रही थी और उसको आपने कैसे स्ट्रीमलाइन किया? सो या एक्चुअली बिकॉज जो हमारा अर्लियर एक्सपीरियंस था फील्ड में, सो वो गवर्नमेंट साइड पे काफ़ी था. बट जब से आहा हमने ये डेवलप किया फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट किया था, तो वो एक थोड़ा स्टडी किया. जब ये बनाना स्टार्ट किए हम लोग की ठीक है गवर्नमेंट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो वी मेट इंडिविजुअली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. ओके, ठीक है. तो मैं ईपीसी कंपनी से एंड आई डिडेंट, मैं उनसे ये नहीं बोलता था कि आप स्टेक होल्डर जो इसमें सबसे ज़्यादा जानता है सोलर ईपीसी, बिकॉज द बिजनेस इज इन्वॉल्व, दे हैव, बोलते हैं ना गुजरात में कि अपना धंधे में घुस गए हैं. ठीक है, तो उनको अपना समझना पड़ा. ओके, एंड दे वॉन्टेड टू सक्सीड. अब उनका लाइफ आप ईजी करोगे, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अपना जो टारगेट्स हैं वो मीट हो, ठीक है, फ्रॉम देयर इकोसिस्टम. बट आउट ऑफ दिस वन ऑफ द की स्टेक होल्डर इज द सोलर ईपीसी कंपनी. इफ यू मेक द लाइफ ईजी फॉर देम, वो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी. करेक्ट. तो आपने उसकी डिस्कॉम्स की आप मीटर रिलीज करते हो तो व्हाई यू आर आस्किंग एंड गिविंग द पेपर, गिव दिस इन्फो डिजिटली. करेक्ट. मीटर आपने रिलीज करने हैं, आपके सिस्टम में डाला हुआ है, तो आप मेरे को डिजिटली दे दो. डिस्कॉम को और जेडा को और एमएनआरई को क्या चाहिए कि ये मीटर नंबर चाहिए. मैनुअल डालेंगे तो फिर भी गलती होने का ट्राई, यहाँ डिजिटली आएगा तो एक प्रोसेस गया. तो ये पूरे इसमें ईपीसी सेंट्रिक पूरा प्रोसेस देखा गया, उनकी प्रॉब्लम समझी गई इधर से क्या होता था. तो जब अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे ना, इट इज़ वेरी ईपीसी सेंट्रिक एंड दैट इज़ वाई उनको एक टूल देना था जो सामने वाले से कनेक्ट कर दे. डिस्कॉम्स के पास ऑलरेडी सैप है, सारी चीज़ें थी. करेक्ट. एमएनआरई के पास पिन पोर्टल था. करेक्ट. बट ईपीसी के पास क्या? तो इसके चलते आपका ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हुआ एंड उस सिस्टम स्ट्रीमलाइन का बेनिफिट मिला. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन थिंग आई वुड लाइक टू से, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव विल ऑफ द पीपल सेटिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव विल थी कि वो करना चाहते थे. करेक्ट. बहुत सारी जगह पे ये भी नहीं है कि ये हो नहीं सकता. करेक्ट करेक्ट. इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव विल ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन कि वो करना चाहते थे. एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन अ वेरी यंग स्टार्टअप, जो हम उसमें तो कोई काम ही नहीं था, बस यही था कि हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस था. एंड दे बिलीव्ड कि हाँ ठीक है जो बोल रहा है चलो ठीक है ट्राई करते हैं. करेक्ट. सो एज अ यंग स्टार्टअप कोई आपको इस वो इकोसिस्टम कंट्री में बन गया था कि आप पे इवन गवर्नमेंट इज विलिंग टू बिलीव ऑन सच अ बिग स्कीम जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी. जो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी को छोड़ के आप एक स्टार्टअप को दे रहे हो. Correct. जिसके पास एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा किए हुए, बट हाँ उनके थॉट क्लैरिटी है, उनके टीम के पास एक्सपीरियंस है, नॉट इन द कंपनी बट ओवरऑल एक्सपीरियंस है. तो वो एक इकोसिस्टम आई थिंक उसमें तक कंट्री में डेवलप हो गया था.
which also benefited a lot in implementation. करेक्ट करेक्ट. तो मतलब इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो लाइक पहले तो आपने पहले एम्पथाइज किया सब स्टेक होल्डर को कि कहाँ पेन ज़्यादा है, और बिकॉज ऑफ दैट एम्पथी ये सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइन बना है, क्योंकि सबके सबका जो मतलब उनका जो मेन पेन पॉइंट है वो सॉल्व किया गया. बिल्कुल. और दूसरी चीज़ कि आहा सोलर मतलब एक स्टार्टअप की दृष्टि से भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कि एक स्टार्टअप पूरा इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में कौन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिकॉज स्टार्टअप इकोसिस्टम एट दैट टाइम वॉज नॉट मैच्योर. ओके. एंड पीपल आर ट्रस्टिंग द स्टार्टअप टू इम्प्लीमेंट द लाइक यू नो बिग बिग पॉलिसी. आपने बताया कि लाइक यू नो ई पी सी प्लेयर्स के लिए सब्सिडी नहीं आती थी पहले, अभी सर जो गवर्नमेंट ने भी उनको एम्फसाइज किया है और जो नेशनल पोर्टल आया कि जिसमें सब्सिडी कंज्यूमर को डायरेक्टली मिलती है, जिसमें ईपीसी प्लेयर्स को सब्सिडी नहीं जाती है, तो उसको मतलब उसका इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह बैर करना नहीं पड़ता, उसको रुकना नहीं पड़ता, अपना पैसा स्टक होता है वैसा नहीं है. तो व्हाट डू यू सी लाइक पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम सूर्य गुजरात टू नेशनल पोर्टल एंड हाउ यू सी द ट्रांजेक्शन हैपनिंग? सी वॉट एवर द गवर्नमेंट ब्रिंग्स द पॉलिसी, तो इट इज़ अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अभी जैसे कि सब्सिडी तो पहले भी थी. करेक्ट. अभी भी वही सब्सिडी है. इन विच मोड वो अगर डी बी टी होती है तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज द डी बी टी रिड्यूसेज द क्यूमुलेटिव बर्डन. ठीक है, मैनुअली अगर करने आप जाते हैं तो इट वॉज अ टी डी एस प्रोसेस. करेक्ट. ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों वो पहले कंज्यूमर्स ई पी सीज को जाती थी. इट वॉज बिकॉज कि पहले मैनुअल प्रोसेस था. Correct. अब अगर एक एक अगर मैं 20,000 सिस्टम भी लगाया, करेक्ट, 20,000 आदमी को आपको जाके सब्सिडी देना, और या फिर आप 50 ईपीसी कंपनी जो 20,000 लगाए हैं उनको देना, तो मैनुअली वो पॉसिबल कौन सा है 20,000 को दे. वंस जस्ट डिजिटल सिस्टम केम कि जहाँ पे आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा दे सकते हो, तो क्या है कि किसी के ऊपर भी बर्डन, अगर आप वैल्यू चेन में क्या है ना, आप कहीं पर भी बर्डन डालोगे एक जगह पर, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट किसी ना किसी के ऊपर जाएगा. करेक्ट. ठीक है, इस केस पे क्या होगा कि आप सिंस आप डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर डाल रहे हो, तो कंज्यूमर को वो इकोसिस्टम भी क्रिएट होके मिला. पहले आज से 5 साल पहले देयर वाज नो फाइनेंसिंग कंपनी. करेक्ट. मैं खुद कितने फाइनेंसिंग कंपनी बैंक से बात किया, यार अभी पता नहीं इसमें कैसे करेंगे, वो मैं बाइक करते हैं ना, तो उसमें बाइक तो पता है ना, दिस इज अ फिजिकल एसेट आई कैन सी, बट विथ होम्स आई सोलर सिस्टम कैसे करेंगे, दे विल ऑल्सो नॉट क्लियर. बट आज के दिन में आप बैठे हो तो देर मल्टीपल कंपनीज हु आर रेडी टू फाइनेंस इवन ऑन द ऐप. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, दे आर ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनीज जो इवन बैंक्स आर रेडी. सो नाउ द बैंक्स आर कमिंग अप की नाउ वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट सोलर इज सेलेबल. आपको आज के डेट में जैसे डी बी टी आया, तो ऑब्वियसली पहले जो कंज्यूमर के बदले ई पी सी के ऊपर बर्डन आ रहा था, एंड दैट वॉज अ शॉर्ट बर्डन, बिकॉज वो अगर आप एक कोई भी रूफ टॉप प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है, तो देर 4 पॉइंट्स दैट यू नीड अ लार्ज पूल ऑफ ई पी सी कंपनीज, लार्ज स्केल अवेयरनेस अबाउट अमॉन्ग द कंज्यूमर, डिजिटल प्रोसेस बिकॉज इट्स अ स्मॉल एंटिटीज, आप बड़े पे नहीं बात कर रहे, रेजिडेंशियल एक एक घर है, डिजिटल के बिना नहीं हो सकता है. एंड फोर्थ इज द फाइनेंसिंग, ईजी फाइनेंसिंग, वेदर इट्स थ्रू द सब्सिडी और थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेज. अभी जैसे डी बी टी होगा तो इसके क्या होगा, द फाइनेंसिंग कंपनीज आर अवेलेबल, बैंक्स आर रेडी टू, दे हैव ऑल्सो सीन दैट थिंग, तो बैंक्स अवेलेबल है, एन बी एफ सीज हैं जो आपको फंड करने के लिए तैयार है. करेक्ट. तो जब वो फंड करेंगे तो ज़्यादा से क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा. करेक्ट. स्टिल सोलो इज हेल्पिंग यू टू पे दैट इंटरेस्ट ऑल्सो. करेक्ट करेक्ट. तो क्या है कि पहले जो ये इको सिस्टम नहीं था, आज वो इको सिस्टम है, तो ये मोड भी अच्छा है. करेक्ट. इट इज़ मोर फास्टर, क्योंकि ई पी सी पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा. अगर यही चीज़ अगर फाइनेंसिंग कंपनी नहीं होती, तन इट वुड हैव बीन अ चैलेंज. करेक्ट करेक्ट. अगर फाइनेंसिंग कंपनी आज है, आज हम लोग ए सी लेने से पहले सोचते नहीं है ना. करेक्ट. जाके तुरंत स्वाइप किए, क्रेडिट कार्ड आ गया. सो सेम थिंग विल हैपन इन सोलर, एंड इफ यू कैन सी इन गुजरात हर नुक्कड़ में सोलर की डीलर्स, सब डीलर्स, या कोई ना कोई जो सोलर के बारे में जानता है, जो यू कैन हेल्प देम टू गेट द सिस्टम इंस्टॉल, आर अवेलेबल. सो दैट इकोसिस्टम हैज बीन डेवलप्ड. एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये पूरी जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी देखी कि जिसने सोलर इंडस्ट्री को बहुत चेंज किया. जैसे पोर्टल आया तो ये पूरी डिजिटलाइज सोलर जर्नी हुई ई पी सी कंपनीज के लिए मेजरली. अभी धीरे धीरे वही चीज़ हो रही है सोलर कंज्यूमर्स के लिए, कि जो अपने रूफटॉप पे सोलर लगाना चाहते हैं वो एप्लीकेशन से बाय करेंगे.
फ्यूचर में। ओके और अभी जो दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हो कि फ्यूचर में जो ट्रेंड्स आ रहा है और जो जो टाइप का सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है, तो कौन सी पॉलिसीज आपको लग रही है जो फंडामेंटली ये पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज करेगी? सो अगर आप सोलर देखो तो सोलर इज़ अ वेरी बिग मार्केट एंड जो अगर आप इफ़ यू सी द इंडस्ट्री देयर आर टू सेगमेंट्स, देयर इज अ यूटिलिटी स्केल एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर में भी देयर इज अ रेजिडेंशियल, देयर इज अ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रूफ टॉप एंड देन देयर इज अ ग्राउंड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रूफ टॉप सिस्टम, जो अभी MNRE ने भी रिसेंटली नोटिफाई किया है कि अप टू 10 MW इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो तीनों के इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 4 पार्ट हो गए, सब पार्ट्स हो गए, ये सबको मिला के एक सोलर इंडस्ट्री है। यूटिलिटी स्केल का चैलेंजेस अलग है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट इज अ चैलेंज, लैंड इज अ चैलेंज, एग्जीक्यूटिंग ऑन द ग्राउंड इज द चैलेंज, द लीड टाइम ऑफ मटीरियल इज द चैलेंज, फाइनेंसिंग एंड दोज बिग इज अ चैलेंज, पावर परचेज इज अ चैलेंज। इफ यू सी इन द डिस्ट्रीब्यूटेड CNI दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वहाँ पे आपके कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं बट क्लाइंट्स कम होते हैं। करेक्ट। रूफ टॉप रेजिडेंशियल दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, आपकी कैपेसिटीज कम होती हैं लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज अ कंप्लीट रिटेल। करेक्ट। तो आपके हर एक इंडस्ट्रीज के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द यूटिलिटी तो वहाँ पे ऑलरेडी मल्टी मेगावाट्स पावर प्लांट्स आ रहे हैं and the government is very progressively aggressively in fact coming out with the PPAs aur kafi players bhi aa rahe hain, rates bhi kam ho rahe hain, so that industry is all set. In a distributed scale jahan pe residential rooftop hai, so obviously the automation has changed a lot but it has happened only in few states. Okay, theek hai. Gujarat even जो EPC कंपनीज हैं उनकी भी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस डिजिटल इकोसिस्टम, अर्लियर ये होता था कि यार ये सिस्टम में ये ख़राब है, ये नहीं होता है और क्यों चाहिए हमको, तो एक्सेल में हो रहा है, ये भी होता था कि एक्सेल में हो रहा है, आज ऐसा होता है कि यार तुम्हारा 8 सेकेंड में है ना ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, व्हाई नॉट इट इज़ हैपनिंग इन 3 सेकेंड्स। करेक्ट। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरी सोलर बट UPI Okay. That has changed the entire mindset of the country. At 2 seconds ke andar mein paise transfer hote hain. That has changed the entire ecosystem. So mere ko yahi lagta hai ki the digital ecosystem aur financing agar club ho jati hai and with the targets which honorable prime minister has given to the nation that 1 crore households. So iske through we can see that revolution coming. Correct. So next big revolution is going to be a solar revolution or power revolution. It's going to be the solar revolution. Okay. थोड़ा आप एम्फसाइज करना चाहोगे क्या है वर्चुअल नेट मीटरिंग, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जानते नहीं है। सो वर्चुअल नेट मीटरिंग है कि लेट्स से कि मेरे पास छत है, हाँ। है तो मैं सोलर लगा रहा हूँ। सो आज के डेट में आप जिसको ही देखते हो, व्हाट इज द मैंडेटरी थिंग, वेदर यू वॉन्ट अ सोलर EPC कंपनी, वेदर यू वॉन्ट मनी, वेदर यू वॉन्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर और वेदर इफ आई गिव यू द 4 ऑप्शन कि क्या एक चीज़ रहे जो आप सोलर लगा सकते हैं आज के डेट में, आपके पास ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग होनी चाहिए, आपका पास अगर रूफ है वो होनी चाहिए, या आपके पास विल है या आपकी इच्छा है लगाने की तो वो होना चाहिए। सो व्हाट इज़ वन थिंग जिसके नहीं होने से आप नहीं लगा सकते सोलर? आपका मीटर तो होना चाहिए एटलीस्ट। मीटर तो है ही, मीटर कनेक्शन है। Correct. आपके पास रूफ होनी चाहिए, ठीक हाँ। है, रूफ अगर नहीं है, अगर मीटर भी है, आपके पास पैसे भी है, फ्लैट होल्डर, तो जिसके पास रूफ नहीं है आज के डेट में उनके पास आप सोलर नहीं लगा सकते। बट वर्चुअल नेट मीटरिंग प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी, जिनके पास रूफ नहीं भी है वो क्यूमुलेटिवली एक जगह लगा सकते हैं, एंड द वर्चुअल नेट मीटरिंग अलाउज कि जो द पीपल हु आर लिविंग इन द फ्लैट्स और जिनके पास रूफ नहीं है वो उस बड़े पावर प्लांट में अपना अपना पार्ट ओनरशिप कर सकते हैं, एंड उस ओनरशिप से जो उनको जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट होता है वही सेम बेनिफिट इनके बिल में आएगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ MNRE ने कुछ उस पर डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, सर्टेन स्टेट्स एंड UTs आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। तो ये है वर्चुअल नेट मीटरिंग। आहा सोला इज़
अ कंपनी जिसने बहुत सारा इनोवेशंस किया है, बहुत सारे ब्रेक थ्रू इनोवेशंस किए हैं, तो हाउ यू फिगरिंग आउट ऑफ आउट द वे अहेड? सो फर्स्ट थिंग इज हम लोग जो अभी कर रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक तो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं सोलर कंपनीज के लिए, जहाँ पे एक तो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो ठीक है, लेकिन उनको उस इन्फॉर्मेशन और उस डेटा को कैसे विजुअलाइज करके वो देख सकें, विच हेल्प्स देम इन बेटर डिसीजन मेकिंग. करेक्ट. ओके, आप एक्सेल में भी वही डेटा डालोगे अगर एक सिस्टम में डाल रहे हैं, इफ द सिस्टम इज हेल्पिंग यू विजुअलाइज कि क्या आपका टर्न अराउंड टाइम है, कहाँ पे आपके ब्लॉक होल्स हैं, वो हैं, उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो वो पूरा हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं एंड वी आर एडिंग न्यू थिंग्स. अभी जैसे हमारे पास जो हमारा इकोसिस्टम में देयर वाज अ सास सॉल्यूशन जो एक एंड टू एंड जर्नी ऑफ सोलर EPC कंपनी को सॉल्व करके देता है कि उनका इंक्वायरी आई वहाँ से जर्नी जो स्टार्ट होती है, उनके ऑटोमेटेड प्रपोजल्स, उनके डॉक्यूमेंटेशंस जो चाहिए होते हैं, उनके इनवाइजिंग, उनका प्लान डिज़ाइनिंग. सो अभी होते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर देयर. सो एक ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट वंस द सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड, उसके बाद आपको एज एन EPC इवन आप 5 साल 10 साल जो भी आप उनको सर्विस दे रहे हो, कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स. वॉट वी डिड इन सोरे गुजरात, इट्स वॉज वी इज द कम्युनिकेशन एंड वी मेड द ट्रांसपेरेंट. यहाँ पे भी आपके कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि आप 2 साल बाद ऐसा हो आपके यहाँ, अरे यार मेरा वो बंदा तो छोड़ के चला गया, उसका नंबर देखो. अब नंबर देखो तो दिस इज वॉट आई हैव एक्सपीरियंस. सो एट टाइम्स वाइल डेवलपिंग द सिस्टम वी वेंट टू सम EPC कंपनीज ऑफिस एंड वी सैट एंड वी ऑब्जर्व वॉट इज हैपनिंग. एक किसी का फ़ोन आ रही है, मेरा क्लाइंट है, इसका स्टेटस क्या है, सेल्स वाले ने एक को फ़ोन किया बिकॉज मैं फील्ड में, तू देख ले. वो बोला रहे तो मेरे को पता नहीं, वो एक्सेल में देखो, वो अपने HOD को बोला. तो 15 मिनट तक सारे लोग ढूंढ रहे हैं और क्लाइंट उसको कॉल कर रहा है, या तो क्या है कि 15 मिनट इंटू 3 आदमी, सो यू हैव लॉस्ट 45 मिनट्स. करेक्ट. ठीक है, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ टाइम का वैल्यू है. अगर आपके पास वही चीज़ होता है कि मोबाइल नंबर आप एंटर करो, उसका पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाए इररेस्पेक्टिव कि वो कौन कहाँ पे पहले उसको सर्विस किया है, तो आपने क्या वो 45 मिनट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, एंड वो जो 44 मिनट्स बचा है, सेल्स वाला सेल्स एटलीस्ट एक कॉल तो कर ही लेगा ना, डिज़ाइन वाला आधा डिज़ाइन बना लेगा, ऑपरेशन वाला एटलीस्ट एक चीज़ तो कर लेगा. सो फॉर एवरी वन द एफिशिएंसी विल इंक्रीज. और अगर आप देखोगे तो व्हाट द दिस डिस्ट्रीब्यूटेड जो हम बोल रहे हैं रेजिडेंशियल में कि नंबर्स ज़्यादा हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या है, बट आप सॉफ्ट कॉस्ट देखो. व्हाट इज सॉफ्ट कॉस्ट? जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ऐसे जो 45 मिनट्स गए, इट इज़ अ कॉस्ट टू द कंपनी. करेक्ट. अगर ये चीज़ 1 मिनट में हो सकती थी तो बाकी 44 मिनट्स में द टीम वुड हैव डन अदर वर्क. सो दिस इज अ कॉस्ट, सॉफ्ट कॉस्ट. तो अगर आप जो अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट जो कॉस्ट होते हैं उसको अगर आप हटाओगे तो 60% ऑफ योर कॉस्ट इज अ सॉफ्ट कॉस्ट. करेक्ट. अगर आप उसको रिड्यूस करते हो 50% से भी रिड्यूस करते हो, तो दिस इज योर प्योर मार्जिन. करेक्ट. प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज. प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज एंड दैट्स द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो इसके साथ हम लोग फिर वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड वन डेटा लॉगर्स जो मल्टीपल ब्रांड इन्वर्टर्स में भी चल लग सकते हैं. तो उससे क्या है कि कंप्लीट जर्नी जो है, सो देर इज एन IoT डिवाइस विच इज ऑल्सो गिविंग यू द डेटा ऑफ योर जनरेशन. ठीक है, मल्टीपल इन्वर्टर्स के, तो आप एज एन EPC कंपनी कैन सी ऑन अ सिंगल, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू गाइड योर कस्टमर कि वेन यू हैव टू डू द क्लीनिंग, इफ योर जनरेशन इज लो यू कैन गिव देन अलर्ट्स. सो ये पूरा का पूरा आपने जो उसका जर्नी है, इवन अगर आपका कस्टमर खुश है, सो सोलर इज अ वेरी इंडस्ट्री विच रन्स ऑन रेफरेंस. करेक्ट. सो अगर आपका कस्टमर खुश है तो ही विल गिव यू 2 more customers. सो ये मनी विल मेक मनी. हाँ, एंड द अदर थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन जो वर्चुअल नेट मीटिंग पे, उस पर भी वी आर वर्किंग समथिंग. सो द ऑल टुगेदर इट्स क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम वेयर अडॉप्टिंग अ सोलर बिकम्स वेरी ईजी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, वेदर इट्स द गवर्नमेंट, वेदर इट्स द सोलर EPC कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स. फॉर एवरी वन वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म विच मेक्स द अडॉप्शन ऑफ सोलर वेरी इजी. करेक्ट. सर आपकी IPO जर्नी के बारे में सब जानना चाहते हैं कि कैसी आपकी IPO जर्नी रही थी, और किसी भी EPC कंपनी को IPO लिस्टिंग करनी हो तो इज इट ईजी और नॉट? सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक
कितना 2021-22 में वी थॉट दैट वी नीड टू वी डिसाइडेड दैट वी लेट्स गो दिस वे. उसके पहले वी वेयर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस एंड बिफोर दैट ऑल्सो वी वेयर मेकिंग द प्रॉफिट्स एंड ऑल. सो वी थॉट लेट्स इट्स टाइम दैट वी हैव क्रिएटेड वन थिंग, वी हैव क्रिएटेड वन प्लेटफॉर्म, वी हैव क्रिएटेड द इको सिस्टम. नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड इन आवर जर्नी, जहाँ पे वी स्केल अप एंड हूसोएवर हैज पुट ट्रस्ट ऑन अस दे शुड ऑल्सो ग्रो इन द एंटायर. ठीक है, और जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमने एक चीज़ इम्प्लीमेंट की दूसरी चीज़, तो इसको और एनहांस करें और कैसे. सो विद दैट थॉट प्रोसेस ऑल आवर को फाउंडर्स वी वेयर डिस्कसिंग कि इसको कैसे करना है, क्योंकि एट टाइम्स हमारे स्टार्टिंग में कुछ एंजल इन्वेस्टर्स भी थे, कुछ हमारे को फाउंडर्स थे. तो ये भी हमें बोला गया कि यार जब स्टार्टिंग में कि यार अभी कुछ नहीं हो रहा बंद कर दो. ओके, ठीक है. तो बट वी मी एंड माई को फाउंडर फिर मैं एडमिट नहीं यार करना है इसको. सो दैट डिटर्मिनेशन वॉज देयर इन द टीम. सो दैट ऑल्सो हेल्प द एंजल इन्वेस्टर्स टू बिलीव. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. फिर वी थॉट अब नाउ इट्स द नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वैल्यू एडिशन क्रिएट करना है. तो फिर वी थॉट लेट्स टेक दिस रूट ऑफ IPO, जहाँ पे हम पब्लिक में को अपना वो देते हैं. एंड बिकॉज हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ डिफरेंट सोल्यूशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन द डे. तो स्टार्टिंग में हमें बोला जाता था यार तुम EPC करते हो, नहीं सर तुम मैन्युफैक्चरर हो, नहीं सर तुम डेवलपर हो, नहीं सर तो तुम कर क्या रहे हो. ठीक है, तो वो देते कि देयर इज अ सिस्टम optimization or there's a facilitator for this entire thing that we are doing. We have created a digital ecosystem jahan pe ye sare log hain. Theek hai, then we have a marketplace jahan pe manufacturer can connect to their buyers. There's a government platform where they can process their application. There's a site survey and a designing tool where an ERP system where the EPC system installer can manage their businesses. So we are providing this thread to this entire distributed sector. Though we had an experience of working in a lot in the utility maybe, but ye jo humne pura product line apna create kiya, it was for mainly for the residential, kyunki jo bade hote hain, bahut bade players hain, wo SAP use kar sakte hain. SAP is और उस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बिट कॉस्टली और उसको इम्प्लीमेंट करना भी टाइम टेकिंग है. बट जो SMEs हैं, MSMEs हैं, ये हर दिन नई कंपनीज खोल रही हैं, उनके दो तीन लोगों को पता रहता है, बट द इंटायर वर्कफोर्स दे लर्न ड्यूरिंग द जॉब. तो पहला चीज़ है चीज़ों को ऑटोमेट करो. ऑटोमेट करेंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम, सारी चीज़ें बढ़ेंगी. तो ये पूरा हमने इकोसिस्टम क्रिएट किया है. Then people started understanding, okay, ये कर रहे हो. तो पहले तो दो तीन महीने को सबको समझाने में यही है कि हम अरे ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये तो that's how this was the thing. But once they understood and they were like, okay, now we understood and you are doing, this is a product that we can take. So इसमें फिर हमारे we even for us it was a very new thing. Business करना आता था, अपना product क्या है वो पता है, क्या solution दे रहे हैं वो पता है. मार्केट में ये IPO रूट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर अस. प्रोजेक्ट लाने, प्रोजेक्ट करना है, कंसल्टिंग करना है, SaaS सॉल्यूशन वो सेल करना है, डेवलप करना है, दैट वी न्यू इट. सो दैट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू फेज वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग. ठीक है, कुछ हमारे अगेन पहला सबसे पहले हुआ था कि पहले तो लीड मैनेजर देखते हैं कि हु कैन एटलीस्ट गाइड अस. ओके, सो वी गॉट एन लीड मैनेजर एंड देन ही सपोर्टेड अ लॉट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बिकॉज गेटिंग इनटू IPO इज नॉट जस्ट कि आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. सो मोर ऑर लेस हमारे स्ट्रक्चर्स तो थे, बट विथ मोर स्ट्रक्चरल सिस्टम विच इज इन प्लेस, वो समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो एक प्रोसेस में भी एक उससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि दैट पेव द वे. जो बोलते हैं ना कि फाउंडेशन क्रिएट करना है कि नेक्स्ट के लिए, तो वो फाउंडेशन ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो. ठीक है,
अच्छे से भी कर रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन जो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए वो आपकी बन जाती है, वो आप वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते करते ना, एंड आप फिर इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं रहते हो, इट्स नाउ अ प्रोसेस ड्रिवन, तो प्रोसेस आपके स्ट्रीमलाइंस होते हैं वहाँ पे। एक तो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट तो मेरे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को सबसे अच्छा, बाकी कुछ हो नहीं हो, सबसे अच्छी चीज़ कि प्रोसेसेस जो पहले एकदम डिफाइन हुए, स्टेप सॉलिड बन गया, कि उसके बाद इट्स नॉट कि आज एक दिन मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं है, तो दिस थिंग्स विल नॉट स्टॉप, करेक्ट, द सिस्टम विल वर्क, एंड दैट इज द ब्यूटी और द मोस्ट अपार्ट फ्रॉम द फंड रेजिंग एंड ऑल, दिस वॉज वन ऑफ द थिंग दैट वी रियली इन्जॉयड ड्यूरिंग आवर जर्नी, एंड उसमें फिर काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे स्टेप्स हैं लोगों के, बट काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, यू हैव टू टेल दैट वॉट यूनिक दैट यू आर डूइंग, हाउ यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू। सो द आइडिया वॉज कि हम जब से हम लोग आहा बनाए कि कुछ वैल्यू क्रिएशन करना है, वंस वी विल क्रिएट द वैल्यू द इकोसिस्टम विल गिव अस द ग्रोथ, बैंकेबिलिटी आ गई आपके पास, तो वो ग्रोथ अपने वैसे ही आएगा। तो जब वैल्यू क्रिएट करना है वो ऑब्जेक्टिव से सबको ये एक सिंगल मिशन से काम कर रहे हैं कि ऐसा एक कंपनी बनाना है जो सोलर एडॉप्शन को इजी करे, करेक्ट, ठीक है, वॉट एवर वी डू हमारा दो चीज़ बहुत कॉमन होता है, इट्स अ रिन्यूएबल और इट्स एंड इट्स अ डिजिटल, ये दोनों चीज़ मीट हो रही हैं तो देन वी आर एस। सो इस कॉन्सेप्ट के अराउंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कंपनी कि हाँ ठीक है, इवन वी आर डूइंग द अवेयरनेस दैट इज हेल्पिंग द एंड कंज्यूमर, if you are doing some advisory assignment for some PSUs jahan pe unko hum help kar rahe hain ki aapka kitna lag sakta hai, if you are providing a SaaS solution to solo EPC company we are helping them to automate their processes, correct so if you are providing a marketplace then we are connecting the buyers and sellers, so ultimately aapka pura ecosystem mein se wo inefficiencies jitni bhi reduce ho sake, 100% to nahi hoti hai और वो दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, ये कुछ तो मैनुअल रहता ही है लेकिन आपका जितनी भी है तो वो ऑटोमेशन, सो वो इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए दिस आईपीओ जर्नी हैज़ मेड अस अ सॉलिड फाउंडेशन जिसके बेसिस में हम लोग फिर आगे ग्रेट ग्रेट के, तो सभी सभी लोगों को आईपीओ निकालना चाहिए, एटलीस्ट उनकी प्रोसेसेस तो अच्छी हो ही जाएगी, बट इट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माय लीड मैनेजर कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, but definitely if your organization structures are good, if your offerings are good, if you are making the right decisions to for the growth, so IPO is a, I think it's a good way to raise funds in India. Great. आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो अपने यंग एंटरप्रेनर्स है, यंग लोग हैं कि जो सोलर इंडस्ट्रीज़ में जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? सो सोलर तो अभी हम लोगों ने जस्ट द इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड, देयर इज अ ह्यूज वर्क, और हमारे सोलर के सबसे बड़े मार्केटिंग जो करते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, करेक्ट, एंड इवन द अदर स्टेट्स आर ऑल्सो डूइंग, इट्स नॉट लाइक दैट, सो अदर स्टेट्स एंड एवरी इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, सो नाउ देयर इज अ थिंग दैट रिन्यूएबल हैज़ टू बी प्रमोटेड, ठीक है, अभी आपने दिल्ली की भी पॉलिसी देखी कि उसमें भी दया सिंह कि अगर आप सोलर लगाते हो तो देयर इज ह्यूज बेनिफिट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस दैट देयर इज इंक्रीज इन द सब्सिडी, 1 crore टारगेट्स, करेक्ट, तो अभी तो मार्केट हम लोगों ने जो किया है डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर देखें तो कुछ 10-12 गीगावाट होगा, ठीक है, और यूटिलिटी में भी देखें तो कुछ 60-70, सो मार्केट अभी इतना बड़ा भी तो हम लोगों ने वी हैव नॉट इवन टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इतना बड़ा मार्केट में जो लोग अभी हैं उनको भी और लोग चाहिए, जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम है, जो एग्जिस्टिंग काम है वो इसमें भी क्या इनोवेशन कर सकते हैं, जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, हाउ वी इनोवेट, जब 2018 में हम लोग आए तो सिस्टम तो चल ही रहा था ना, वी ब्रॉट समथिंग न्यू, अभी 5 साल में दैट हैज स्ट्रीमलाइन, तो समथिंग न्यू विल कम, करेक्ट, ठीक है, अभी तक आपका था कि आप पहले डेटा डाल रहे हो, अब व्हाई नॉट आई जस्ट ओपन एन ऐप और मेरा उसी में मैं आई जस्ट वहीं पे खड़े के मैं साइड से आपका वो फ़ोन पे ही बैठ के मैं आपको डिज़ाइन करके क्यों नहीं दे दूँ, करेक्ट, ठीक है, सो व्हाई नॉट मैं वीआर के थ्रू आपको आज तक आप रिपोर्ट देखते हो पेपर पे, आप उनको विजुअलाइज कराओ कि ओके द
that's how the solar plant will look on your roof. So there are a lot of things to be done. Correct. So in terms of the technology, in terms of the servicing the clients. Correct. So jo abhi bhi kaam chal raha hai usko bhi karne ke liye aisa nahi hai ki aap sabko sirf ko tech mein hi aana hai. So actually the solar and is one of the disruptive technologies of this decade. तो अभी तो काम चालू हुआ है. सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. और आप वैल्यू चेन में कहीं पे भी ऐड करें या जुड़े तो आपके लिए ग्रोथ ही के लिए आगे ऑप्शंस हैं. तो हुसे वो वांट्स टू गेट इनटू इट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप आपका करना क्या चाहते हैं इसमें. ठीक है, व्हाट इज़ योर इंटेंट और व्हाट इज़ योर पैशन टुवर्ड्स द एंटायर, क्योंकि थोड़ा ये इंडस्ट्री बड़ी है तो Correct. आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपका इंक्लिनेशन है, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस सब सेगमेंट में एंटर करो. एंड वेदर यू आर डूइंग अ जॉब, वेदर यू आर एज एन एंटरप्रेन्योर, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री एंड फॉर द न्यू पीपल टू जॉइन आवर वर्कफोर्स. एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव द स्किल अपस्किलिंग, द ट्रेनिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो लोग आएंगे उनको, जो हम लोग जब एंटर किए थे तो जो सीख के आए थे, अब ऑब्वियसली उससे ज़्यादा लोगों को सीख के आना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एंड क्योंकि यू कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ना, बिकॉज ना तो स्क्रैच इज डिफरेंट. पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया. तो यू ऑल्सो नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड वेन यू एंटर द मार्केट तो यू आर रेडी टू गेट योर सेल्फ ट्रेन. एंड विद द ये अभी ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से तो काफ़ी बेनिफिट भी हो गए हैं. So lot of people are doing the courses on data analysis. ये तो अप्रेनेबल की भी देखो कि what are the, आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा तो आप ब्रॉडर एस्पेक्ट्स की क्या क्या हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद आप उसमें एंटर करो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच पुलकित सर टू ज्वाइनिंग अस एट जॉइनिंग द हाउस ऑफ सोलेंस पॉडकास्ट एंड गिविंग यू इनसाइट्स. बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे इससे और बहुत सारे ई पी सी प्लेयर्स को भी नॉलेज मिला होगा कि आगे क्या करना है, कैसे उसके स्ट्रीमलाइन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you, Yash, and it was really my pleasure talking to this you and this Solens team for organizing this, because it gave us also a platform to share what we have learned. And agar is journey se koi aage aur karta hai to it is hamare liye bhi bahut achhi khushi ki baat hogi ki hum hamara journey dekh ke koi agar inspire ho raha hai, because we also got inspired from someone else's journey. करेक्ट. हमारे भी, हमने भी किसी को देखा, किसी ने हमें सपोर्ट किया. सो वैसे ही आगे भी कोई हो. एंड वंस अगेन थैंक्स टू द एंटायर सोलेंस टीम फॉर दिस दिस थिंग एंड पॉडकास्ट. एंड आई विश कि आपके आगे वाले सेशंस भी ऐसे ही हों और आपके व्यूअर्स को बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट से लोग आएँ, अपने एक्सपीरियंस बताएँ, बिकॉज this is also for them also it's a very good thing, because aap as a team you are also passing the message ki kya ho raha hai, which will help them to take a right decision. Right decisions. Correct correct. Thank you so much sir. Thank you. Yes.